मैंने बुलाया तुमने थोड़े से डाले थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। ये रात का टाइम है और यहाँ पे बेबी फ्लोरा जो है, छोटी ब्राउनी, इतने मज़े से बैठ के टीवी देख रही है ना। हम लोग देख देख के उसको हंस रहे थे कि देखें कैसे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इसे कोई 5-10 मिनट हो गए हैं और ये प्रॉपर ड्रामा देख रही है। आई डोंट नो इसको समझ क्या आ रही है, लेकिन यहाँ पर ना ये इतना मज़े से ड्रामा देख रही थी। और मैं साथ में ना किचन में आ गई थी और मैं आज बना रही थी चिकन टिक्का रैप्स बना रही थी मैं। ये मैं टोटियाज जो होते हैं उसके साथ मैं बना रही थी, तो मैंने बस ना इसमें मैंने टिक्का मसाला डाल के तो मैंने इसको बनने के लिए रख दिया था। और काफ़ी दिन से फुज़ैल का दिल कर रहा था कि मुझे ना रैप्स बना दो, रैप्स बना दो, तो मैं आज बस वही बनाने लगी हूँ। और मैं इसकी रेसिपी जो है आपको मेरे दूसरे चैनल रिदा फुज़ैल व्लॉग्स पे मिलेगी, उस पर मैं और भी रेसिपीज़ अब मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। एंड जस्ट रेसिपीज़ नहीं मैं उस पर अपलोड कर रही, मैं अब उस चैनल के ऊपर भी व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप वहाँ जाके भी ज़रूर देखें। कल भी मैंने उसके ऊपर रेसिपी अपलोड की है, जो मैंने एक बहुत ही मज़े के चिकन ड्रमस्टिक्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है वो भी अपलोड की है, जाएं और लाजमी देखें। और यहाँ हमारी बीबी नूर जो है, बड़ी नूर, ये भी मेरे पास बैठी है। बुनो 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 बुनो, ये प्यारी बुनो है, बुनो गुन्नो है, गुन्नो गुन्नो में आज गुन्नो ना कल से खाना कम खाती, आज गुन्नो को ना हमने सिरप पिलाया था, गुन्नो में इतना बड़ा हेयर क्लॉट फंसा हुआ था, शुक्र है इसने हेयर क्लॉट निकाला और कीमा भी खाया, चिकन भी खाया गुन्नो ने। जी आप में से मेरी तरह कौन ऐसे चस्का लगाता है, वो चिकन बन रहा है, वाजे में थोड़ा सा चिकन लिया और वो जो खीरा पड़ा हुआ है वो लिया, ये सॉस ली और ये देखें इस चस्के का मज़ा ही अपना होता है। यहाँ तुम टोटिया बना रही हो और वहाँ वो देखो, वहाँ मुआयना कर, तुम्हें देखी जा रही है ऊपर नूरी, वहाँ तुम्हें देख रही है, देखो टोटिया देख रही है। और ये ना बहुत मज़े का रैप बना था, क्योंकि ये मैंने बनाया था रेमियन सॉस वाला बनाया था, जो स्पाइसी सॉस होती है ना रोमन नूडल्स वाली, उस सॉस के साथ मैंने ये बनाया था और बहुत मज़े का बना था। मुझे और फुज़ैल को स्पाइसी खाने ज़रा काफ़ी अच्छे लगते हैं। कैसा है? रेमियन सॉस डाली हुई है ना अंदर, इसलिए चिकन मजे का ना अंदर वाला बारबेक्यू चिकन बहुत टेस्टी है। और मेरा पीछे छोड़ दिया इसने। एक काम करो, पंप चला दो। ये देखें जी, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर में बालों के गुच्छे, ये देखें, और ये देखें कितने सारे बाल हैं। ये मिस नूरी बैठी हुई है और आया ये, और ये देखें जी ये बाल बग्गी के, ये इतने सारे बाल, ये देखें, और ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रही है सुल्तान की ग्रूमिंग। और सुल्तान चीखे मार रहा है कि मेरी ग्रूमिंग क्यों कर रहे हो। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपके घर में बाल नहीं होते क्या कैट्स के, बाल कैट का हेयर फॉल जो है ना तब ज़्यादा बढ़ता है जब आप उसकी ग्रूमिंग नहीं करते। और ये देखें अभी यहाँ पे ना खाना खा रहे हैं बच्चे, तो मैंने ना जो मेरे हाथ बच्चा लगता है ना मैं साथ साथ उसकी ग्रूमिंग करती रहती हूँ, ब्रश और कॉम्ब लेके अपने पास बैठ जाती हूँ, ये कॉम्ब है हमारे पास और ये ब्रश है, और जो इनके एक्सेस हेयर होते हैं ना
वो उतारती जाती हूँ। क्या हो गया सुल्तान? बड़े बाल इस तरह इसके कैसे हैं? क्योंकि मैं इसकी ग्रूमिंग करते हैं। हाँ तो टाओ सर से। सुल्तान क्या हो गया इतना गुस्सा? हाय अल्लाह जी इतना गुस्सा सुल्तान को। ये देखें सुल्तान के बाल उतरे हैं, ये जो भी गंदे डैमेज बाल होते हैं उतर जाते हैं। सुल्तान की टेल देखें माशाल्लाह से कितनी फ्लफी टेल है। जो एक्स्ट्रा डैमेज और गंदे बाल होते रहते हैं ना डेली बेसिस पे, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ना ब्रशिंग करें और उतार दें। ये देखो कितनी प्यारी इसकी टेल है। अब आप देखें इस कॉम से जो बाल उतर रहे हैं ना, ये जो उतरे हैं अब ये रफ बाल उतर गए, अब ये जगह जगह नहीं लगेंगे। तो फिर इसलिए ना इस तरह से ये होता है कि आपके घर में ज़्यादा हेयर नहीं होते हैं। क्या हो गया शुद्धा? अब ये देखो अब ये बाल है इसमें गंदे डेड और डेड हेयर्स भी हैं और सारे गंदगी भी है, गंदे बाल भी हैं, वो सब उतर जाते हैं। और कैट्स हमारी नीट क्लीन रहती हैं क्योंकि कैट इंसानों की तरह डेली बेसिस पे नहा तो नहीं सकती ना। और किसी ने पूछा था कि क्या हम अपनी कैट को समर में शेव करवा दें, तो आंसर उसका ये है कि कैट को शेव करवाना तब आप करवाएं जब बहुत ज़रूरी हो, जब बहुत शदीद किस्म के हेयर मैट्स बन गए हों जो कि बिल्कुल ना खुल रहे हों तब आप शेव करवाएं, वरना ना करवाएं। वो इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर शेव करते हैं ना कैट को, तो उसको ना एनेस्थीसिया देना पड़ता है कैट को, वरना कट्स वगैरह लगने का डर होता है। तो इसीलिए आप ना अवॉइड करें कि आप ना ही शेव करवाएं। अब मैंने सोचा था कि मैं छोटे मफिन को करवा दूँ शेव, क्योंकि मैंने उसको न्यूटर करवाना है, तो न्यूटर के टाइम पे एनेस्थीसिया तो उसको ऑलरेडी दिया जाएगा, तो तब शायद करवा दूँ मैं उसको। सुल्तान ने अब अंदर जाना है। अच्छा कैट के जब भी आपने हेयर वो करने ना ब्रशिंग करनी है तो नेल्स कट कर लिया करें पहले, ताकि आपको स्क्रैच ना करें। अब हम लोग झाड़ू लगाते हैं और ये सारे बाल जो है ना ये उठा लेते हैं, अब इकट्ठा करते हैं सारे। ये देखें कितने सारे बाल हैं माशाल्लाह से, इतनी सारी कैट्स हैं, एक दिन में ना सबकी हो ही नहीं सकती ग्रूमिंग, मैं थक गई हूँ। हम आपको कल दिखाएंगे इसकी ना प्रॉपर ग्रूमिंग करके कि हम सुल्तान की कैसे ग्रूमिंग करते हैं, या किसी भी कैट की हम करके आपको दिखाएंगे। अच्छा हेयर मैट्स अगर आपकी कैट को होते हैं ना, तो ये दिखाओ मुझे कॉम, ये वाली कॉम, ये वाली जो कॉम है ना ये बड़ी बेस्ट है हेयर मैट्स रिमूव करने के लिए। एक आपके पास ये भी होनी चाहिए और एक ऐसा ब्रश भी होना चाहिए। ये देखें जी आपको नजर और आ रहे होंगे रंग बिरंगे बाल, कुछ ब्राउन बाल हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ व्हाइट हैं, हर तरह का ना वो हर तरह का हेयर हैं हमारे घर में। अपने चैनल पे कोई भी चीज फेक नहीं दिखाते, जो रियलिटी होती है वही दिखाते हैं। मेरी कैट के बाल जो उतरे हैं तो मैं आपको रियलिटी ही दिखा रही हूँ सबकी। हाँ हम कुछ भी फेक नहीं दिखाते, हमारी कोशिश यही होती है कि हम बिल्कुल रियल चीज आपको दिखाएं। फिर जो लोग अक्सर हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमने न्यू कैट्स रखी हैं या किटन परचेज की है और हमें आपकी वीडियोस देख देख के बड़ी हेल्प मिलती है कि हम कैट की केयर कैसे करें, तो उनके लिए फिर हम लोग अपनी ये वीडियोस बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि मेरी कैट्स के बाल देखें कितने उतरे हैं। ये देखें कितने बाल उतरे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे बालों के साथ। सारी कैट्स की नहीं है, अभी ये कुछ कैट्स के हैं, अभी ये हाफ कैट्स की, हाफ के भी नहीं है, 7-8 की हैं। तो माशाल्लाह से कैट्स हमारे पास काफी सारी हैं, तो जितने बच्चे हाथ आते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी मैं भी थक गई हूं असल में, मैं इनको खाना खिला रहा था और ये ग्रूमिंग कर रही थी साथ साथ। ये तो नाई की दुकान खोल लेनी चाहिए हमें, कैट्स का ग्रूमिंग सेंटर है ना, तरह तरह के बाल हैं बीच में। इंसानों के तो बड़े एक्सपेंसिव बिकते हैं, ये किसी काम के नहीं है। आप डेली कैट की ग्रूमिंग किया करें, चलो फिर आपकी कैट्स ना बिल्कुल साफ सुथरी दिखेंगी, खूबसूरत हसीन और जमील। यहाँ पे देखें सब हम अपने काम में मसरूफ और डैनी बच्चों का दूसरे बच्चों का खाना खा रहा है। मम्मू खाला अच्छा लोग पता क्या करते हैं, थंब नेल कुछ लगाते हैं और टाइटल कुछ दे देते हैं, ताकि ना लोग अट्रैक्टिव चीज़ लगा देते हैं ना सामने, और जब
अट्रैक्टिव चीज़ लगा देते हैं सामने, और जब हम खोल के देखते हैं तो वो चीज़ होती ही नहीं है, हमारे अंदर ये दिखावा नहीं है। जो चीज़ रियल है वो रियल है। अब रियल कंटेंट लोगों को दिखाएं तो लोगों को अच्छा भी लगता है, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम रियल कंटेंट दिखाएं, आप लोगों को सच दिखाएं। हालांकि हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ होता है, हम वो दिखा सकते हैं लेकिन हम नहीं दिखाते। लेकिन अब हम सोच रहे हैं दूसरे चैनल को भी, हम ना वहाँ पे भी डेली वीडियो डालें, मैं इंशाल्लाह डालेंगे अब डेली वीडियो, कल से हम शुरू कर देंगे, नियत तो की हुई आगे अल्लाह की मर्जी। ये देखें, हाँ ये कौन है, ये रे फिर रे। सब स्टेप बाय स्टेप हम अंदर जा रहे हैं, और ये साशा भी अंदर जाएगी अभी। चाचिया चाचा देखो तुम्हारे इतने सारे बाल। साशा बाहर कौन है, ब्लैकी है, ब्लैकी ओरियो है बाहर, और ओरियो गुस्सा कर रहा है तुम पे, ओरियो गुस्सा कर रहा है। जी जी ये क्या तुम्हारा तरीका कार है खाने का, ऐसे कौन खाता है? जी जी ऊपर चढ़ी हुई थी वो, ऊपर गई हुई थी जी जी, मैंने बुलाया तो ना वो इसी तरह बिस्किट पहले खाना खा चुकी है ये, अब मैंने बुलाया तो मैंने थोड़े से डाले तो ऐसे खड़े होके खा रही है, अब ऊपर आई है, अब अक्ल आई है बेवकूफ औरत को। बस करो ना बलोनी, अभी इसके दादा वो नहीं आए, मफिन तो क्रेजी है इस इन चीजों के लिए। अब नीचे जाओ, शेर लॉइन बड़े लॉइन, बड़ी प्यारी है आप, बड़ी प्यारी है। अभी है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ चाय फेनिया, फुजैल चाय बना लाए थे, और मैं अभी ना ये बैठ कर कर रही थी एडिटिंग, तो ब्राउनी जो है मिस ब्राउनी अब पहले फुजैल से खा कर आई है, और अब मुझसे मांग रही है कि मुझे भी ये फेनिया जो है ना आप खिला दो, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर यहाँ पे घर के काम काज किए, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करके फिर जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर जाऊँगी किचन में, और आज मैं बना रही थी लंच में आलू कीमा, और बहुत ज़्यादा इतना मज़े का आज तो बना था, पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, तो इसकी भी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली है। वैसे तो ये बड़ी बेसिक रेसिपीज़ होती हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बना रहा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को बेसिक रेसिपीज़ भी समझ नहीं आ रही होती ना, तो इसलिए मैं ये भी डाल देती होती हूँ। तो ये इसकी रेसिपी भी आपको रिदा फुजैल ब्लॉग्स पर मिल जाएगी, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाजमी जाएँ मेरे उस चैनल पर भी। और कल भी मैंने उस पर वीडियो एक अपलोड की है, ड्रमस्टिक्स की रेसिपी अपलोड की है, वो भी जाके देखें, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है वो। बस अभी मेरा सालन ऑलमोस्ट डन होने वाला है, और मैं रोटी बना लूँगी, और सुबह से हमने ना सिर्फ चाय पीनियाँ ही खाई हुई हैं, तो खाना अब हम लोग खाएँगे, अब रोटी हम लोग खाएँगे, और बस ये डन है। बहुत टेम्पटिंग, बड़ा मज़े का लग रहा था, बस ऊपर से लेमन और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और अदरक जो है ना छोटा छोटा सा काट कर वो डाल दिए, और अब बस खाते हैं खाना। मिक्स करो, अच्छी तरह मिक्स कर लो, यहाँ से नहीं हुआ, चलो अब डाल कर खा लो। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, हद से ज्यादा टेस्टी। मैं ना हमेशा जब भी तारीफ करता हूँ बिल्कुल सच्ची तारीफ करता हूँ, झूठी तारीफ नहीं करता। रेसिपी तुम देती ही हो ना, रेसिपी लोग बनाओ के ट्राई करें, कोई नहीं टेस्ट आएगा जो हम खा रहे हैं। हम सर आ नहीं जा रहे, हमने दोबारा कैमरा ऑन कर लिया। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी इतना कमाल का कीमा बना है ना आलू कीमा, कि जिंदगी में कभी इतना टेस्टी नहीं बना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और है भी दोपहर का टाइम, ये देखें और हम लंच कर रहे हैं, हम ये लंच कर रहे हैं, और लंच करने का मज़ा ही है। मैं अब इसके बाद ज़बरदस्त चाय मैं बनाऊँ तुम? आप, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो तुमने सारा काम किया है घर का, चाय तो मेरा फर्ज है ना पिलाना, चाय मैं पिला दूँगा। अब हम लोग पीने लगे हैं शाम की चाय,
और ये आधा कप चाय फुजैल ने आज बनाई है। मफिन, मफिन को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है कि हमने फुजैल ने डांट के भगाया है कि हट जाओ, चाय नहीं पीनी, और ये चाय के लिए पागल है, क्रेजी है। बस जुबान फेरता है चाय के लिए लाल। मफिन, ओ ओ गई आपकी चाय, गंदी करने लगे थे मफिन दादा। मफिन, मफिन, अच्छा मेरी चाय के पास मत आओ, कल मरते मरते बच्चे हो मफू दादा, मेरी चाय के पास मत आओ आप। सुबह बिरयानी ने तो खाया थोड़ा सा ना, फेनियां खाई हैं, दादा को भी थोड़ी सी दे देना। अच्छा पता है क्या, मुझसे ना किसी ने क्वेश्चन किया ये लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया, उसमें किया है कि मफिन को जब आपने न्यूट्रन नहीं करवाया था तो क्या मफिन उससे पहले जगह जगह यूरिन और स्प्रे करता था? तो जी, मफिन पहले तो नहीं करता था जब तक 4 साल का हुआ था। 4 साल का होने के बाद ये ना ज़्यादा हीट पर आने लग गया और फिर ये करता था स्प्रे, और इसकी तो इतनी कोई खौफनाक किस्म की स्मेल है ना, जहाँ यूरिन कर देता था निकलती नहीं थी स्मेल, हमें 10-10 दफ़ा वो जगह साफ़ करनी पड़ती थी। फिर हमने इसको करवा दिया न्यूटर, और हमने इसको फ़ौरन ही फिर करवा दिया, ज़्यादा अरसा इसने यूरिन नहीं किया, हमने इसको फ़ौरन न्यूटर करवा दिया क्योंकि हमें पता था कि इसका हल सिर्फ एक ही है। और उसके बाद ये माशाल्लाह से अब कहीं पे भी स्प्रे नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। जो चाय पे जम नहीं जाती ऊपर, वो मलाई खा रहा है। जिनकी कैट स्प्रे करती है ना, वो उसको न्यूटर करवा दे, वो छोड़ जाते हैं ये आदत। मफिन अब नहीं करता। दिखाओ इधर बैठा हुआ क्यों है इज्जत से, अपना कप दिखाओ। पता है ना वो मेरी चाय के लिए बैठा है ना। दादा, दादे, अभी हम लोगों ने चाय भी पी ली है शाम की, और अब हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है, कुछ चीज़ें रह गई हैं लेने वाली, तो मतलब रह नहीं गई, सॉरी, ख़त्म हो गई हैं बच के, तो वो मैंने कुछ चीज़ें लेने जाना है, तो अभी मैं बाहर जाने लगी हूँ, और मिस्टर मफिन मेरे पास बैठे, अभी मैं आपको मफिन भी दिखाती हूँ। और मैंने आपसे ये बात करनी थी कि रिदा फुजैल ब्लॉग्स पे अब मैंने वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप वहाँ पर भी जाएं और वहाँ भी जाके मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लॉग डालना चाहिए। हाँ, ब्लॉग टाइप वीडियोस हैं, सिर्फ रेसिपीज़ नहीं हैं, वहाँ पे भी आपको ब्लॉग टाइप वीडियोस ही मिलेंगी। और मेरे इस चैनल पे वो लोग आते हैं जो लोग मेरी कैट से प्यार करते हैं, ऑब्वियसली वो लोग तो उस चैनल पर नहीं जाते, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पे मुझे भी प्यार करते हैं, तो जो जो लोग मुझे प्यार करते हैं तो आप लोग उस चैनल पर लाजमी जाएंगे, उस पर भी फॉलो करें, उस पर भी मेरी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, रिस्पांस अच्छा देंगे, तो मैं ज़्यादा अपने फुल डिटेल ब्लॉग्स बनाया करूँगी, अपनी स्किन केयर, अपने घर के काम, अपनी क्लीनिंग, अपने घर की सेटिंग, हर चीज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। हाँ, मेरे और फुजैल के कुछ चैलेंजेस भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अपकमिंग डेज में हम लेकर आएँ, लेकिन वो मैं तभी लेकर आऊँगी चैलेंजेस अगर आप लोग मुझे उस चैनल पर अच्छा रिस्पांस देंगे, तो चलें जब हमारे वहाँ पे रेगुलर व्यूज आने लगे तो फिर हम चैलेंज करेंगे। हम लोग कल भी बैठ के ना हम काफ़ी सारे चैलेंजेस प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमने एक चैलेंज किया था कुछ टाइम पहले, तो ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उस पर, तो आगे हम लोग अब सोच रहे हैं और चैलेंजेस के लिए भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें चैनल को, तो इंशाल्लाह आगे बहुत मज़े मज़े की वीडियोस भी आएंगी, और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हम लोग इस चैनल पर वीक में एक दो ज़रूर लाया करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। मफिन, मफिन बाहर जाना चाहती हूँ, मफिन वो प्यार करना चाहता है, प्यार, वो बाइक जाने के लिए तो वो है, शेर है। चलो मफिन, रात को मिलते हैं, फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बाल भी कटवाने जाना है, फिर जब कटवा के आऊंगा ना फिर जाएंगे। मफिन का ऐसा लगता है इस टाइम ना कट किया हुआ है, इस टाइम मैं इतना थक चुकी हूँ ना कि मेरा दिल कर रहा है कि बस अब मैं ना लाइट्स ऑफ करूँ, नेटफ्लिक्स यूज करूँ और सो जाऊँ। किसकी कैट ऐसे प्यार करती है मफू? अभी पता क्या हुआ है, अभी मैं ना सो गई थी बाहर से घर आकर, और ख्वाब में मैं ना वो खा रही थी कुल्फ़ी, तो जब मैं उठी तो मेरा दिल करने लग गया कि या तो मैं कुल्फ़ी खाऊं या मैं आइसक्रीम खाऊं, तो मैं और फुजैल बाहर जा रहे हैं, मैंने कहा फुजैल अभी मैंने ख्वाब में देखा है तो मैं कुल्फ़ी खा रही हूं, तो चलो आप मुझे आइसक्रीम लेके दो, तो बाहर जा रहे हैं, सोसाइटी में ही जा रही हूं, सोसाइटी से ही लेकर आते हैं,
यहाँ पे एक शॉप है वहां से मिल जाएगी, तो चलते हैं जी। निकला ही नहीं मेरा शहजादा, बाहर की दुनिया ही नहीं देखी मेरे शहजादे ने तो। मेरी कैट्स ना घर के अंदर रहती हैं, मैं इनको बाहर बिल्कुल नहीं निकालती। मेरे बच्चे ने दुनिया ही नहीं देखी आज। ये देखे कौन आया, सुल्तान आया, सुल्तान आया बाहर। और खुश कितना हो रहे हैं, नीचे ना छोड़ना। ओ हीरोइन आ गई, हीरोइन कहाँ से आ रही है, कितना भागती है यार। बच्चा देखे बिल्ली के पीछे पड़ी हुई थी सामने। ओ उसको डरा रही थी। खुशियां तो देखो, ओ बेटे के साथ खुशियां। चलो घर के अंदर चलो 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 चलो। नहीं नहीं बेटा फिरने दो। ओ सुल्तान की अभी मैं चाबी नहीं लेके आया, मुझे तो मैं इसको छोड़ो। सल्लू और ये ना वो शॉप है जहाँ पे जब सूजी जिंदा होती थी ना तो सूजी और जैनी रोज आके ना बिस्किट खाया करते थे यहाँ से। तो जैनी को अभी भी याद था, फौरन देखने लग गई कि हमने क्या लिया है, तो उसके लिए भी हमने बिस्किट्स लिए और वो इतने शौक से बिस्किट खा रही है। उसका बेटा भी बहुत शौक से खा रहा था और मैंने भी अपने लिए आइसक्रीम ले ली है। तो बस पुरानी यादें होती हैं प्यारी प्यारी सी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।